नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, यानी कि जो BSTC के आपके फोरम है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 11 मई से जो आप सभी छात्रों के लिए प्री DLED के जो फोरम है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जो भी एक तरीके से प्राइमरी टीचर बनने के स्टूडेंट सोचते हैं उन सभी के लिए BSTC का एग्जाम उनको देना पड़ता है। साथ में आपको एक तरीके से जो 2 साल की BEd है वो आपको करनी होती है, करने के बाद में आप थर्ड ग्रेड के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। आपके जो फोरम है वो 11 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको मैं क्लियर भी करूंगा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस बार जो आपका एक तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आपका कार्यभार संभालेगा मतलब कि BSTC का, वो पूरा एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वो VMU यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा सब कुछ किया जाएगा। जिस तरीके से इस बार देखो जो PTT का एग्जाम है वो भी VMU के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और इस बार आपका जो BSTC का एग्जाम है वो भी VMU के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अब आप सभी छात्रों को पता है कि VMU है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, वो एक तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या उसमें ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, और उसके द्वारा ही आपका जो BSTC का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका जो एग्जाम है वो 30 जून को, कब 30 जून को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी अभी देखो ये ट्वीट है वो 1 घंटे पहले ही जारी किया गया है, आप ये ट्वीट टेलीग्राम पर भी देख सकते हो, साथ में आप ट्विटर पर जाकर भी ये ट्वीट देख पाओगे। साथ ही में आप सभी छात्रों के लिए कल नोटिफिकेशन है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी भी हो जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो ये आपका 600 नंबर का पेपर होता है, जो BSTC प्री DLED का एग्जाम होता है ये आपको 600 नंबर का होता है, यानी कि आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें कि आपका राजस्थान GK हो गया 50 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रीजनिंग हो गया, उसमें भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, और उसके बाद में आपको हिंदी एंड इंग्लिश मिलेगा। तो अगर आपको जो भी मीडियम सेलेक्ट करना है, तो आप हिंदी करना चाहते हो, हिंदी से देना चाहते हो एग्जाम, तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश से देना है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन जाएंगे, और जो इंग्लिश से अगर सेलेक्ट करता है तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका 200 नंबर का टोटल रहता है, बाकी मतलब कि 200 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 600 नंबर के आपके रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक तरीके से 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए सिलेबस है, पैटर्न है, किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है वो बिल्कुल जारी नहीं किया गया है। जब नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो आप सभी छात्रों को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। आप सभी छात्र काफी मतलब कि काफी लगातार इंतजार कर रहे थे कि जो BSTC के फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी कल से ही एक तरीके से VMU की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर फोरम भर सकते हो। और कल एक और वीडियो में आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, फोरम आप किस तरीके से भर सकते हो, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और ये रेशियो देख सकते हो, यानी कि मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी छात्रों के लिए ऐसी ही जो अपडेट है जो सबसे पहले आप सभी छात्रों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।